इस वक्त एक और एम्बुलेंस आई है, ये तीसरी एम्बुलेंस है जो हरदा से, संभवतः हम कंफर्म करने की कोशिश करेंगे ये हरदा से है, क्योंकि लगातार एक एक कर एम्बुलेंस आ रही है। इस वक्त दो एम्बुलेंस आ चुकी हैं। पीर भी महिला जो तीसरी एम्बुलेंस आई है हरदा से, और इसमें जो पेशेंट आए हैं पीर बी महिला का नाम जो है पीर भी बताया जा रहा है, ये भी झुलसी हुई है, इसी हादसे का शिकार है। तस्वीरें आपको जरूर दिखा रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा विचलित करने वाली तस्वीर है, जो जिस तरह से जख्मी हैं, तो ये तीसरी एम्बुलेंस है जो पहुंची है इस वक्त भोपाल के अमेदिया अस्पताल, और मरीज को तुरंत अंदर ले जाया गया है ताकि जल्द से जल्द उसे बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। और ये हालांकि कुछ जो उनके परिजन पहुंचे हुए उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तीसरी पेशेंट है जो पहुंचे हैं, पीर भी नाम है इन पेशेंट का। हालांकि कुल 19 से 20 एम्बुलेंस वहां से डिस्पैच की गई है हरदा से, इनमें हो सकता है कि कुछ एम्बुलेंस भोपाल आए, कुछ एम्बुलेंस इंदौर। दूसरा पेशेंट भी है इसी एम्बुलेंस में, ये दो पेशेंट आपको बता दें इस एम्बुलेंस में आए हैं। ये तीसरी एम्बुलेंस थी, और इस तीसरी एम्बुलेंस में दो पेशेंट हैं जो भोपाल आए गए हैं, दूसरे पेशेंट को भी अंदर ले जाया जा रहा है, चूंकि गंभीर हालत है इन दोनों पेशेंट की, और उसी मद्देनजर इन्हें भोपाल रेफर किया गया है, अमेदिया अस्पताल लाया गया है। ये कोशिश यही है जल्द से जल्द इन्हें बेहतर इलाज मिल पाए। तो ये तीसरी एम्बुलेंस है जो आप देख रहे हैं, दो पेशेंट हैं, और इसके साथ ही कुछ और एम्बुलेंस हैं जो अभी भोपाल पहुंचेंगी एक एक कर। इन सभी एम्बुलेंस के लिए यहां ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हमारे साथ एक परिजन है जो अपने परिवार के एक सदस्य को लेकर यहां पर पहुंचे हैं, जिनको यहां भर्ती कराया गया है हरदा हुए हादसे में। कौन है आपका? मेरा भाई है। क्या स्थिति? अभी डॉक्टर ने बोला है कि टाके आके लगा दिए, बोले ठीक है सब, बोला उन्होंने भोपाल भेजा कुछ गंभीर? हाँ, माथे में सिर बहुत ज्यादा गहरी चोट आई है। जी जी। हादसा कैसे हुआ, क्या जानकारी है? ये पता नहीं अभी, मतलब कि वो वहाँ कैसे पहुँचे। हमको तो पता चला कि बम ब्लास्ट हुआ, तो हमारे भैया भाभी काम करते, इसलिए मैंने इन भैया को लगाया, तो उनका फोन लाइन में ये भैया को लगाया कि इनसे जानकारी ली, तो वो तो इससे घबराए हुए थे और मेरे को परेशान करो मत, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, और रोए जा रहा था, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि ये मतलब घायल हो गए हैं। तो काम करते थे क्या? नहीं, मैं नहीं काम करती। नहीं नहीं, वो आपके भैया? ये भैया, दूसरे भैया, भाभी, भैया भाभी दोनों काम करते हैं। जी। तो उनको कम लगी है जी। वो वही है, ठीक है, वो इनको ज्यादा लगी। तो ये भी वहाँ काम करते थे? करते नहीं। फिर कैसे पहुँचे? रहते हैं मोहल्ले में, रहते वही बैरागढ़ में ही रहते, वही रहते हैं, फैक्ट्री है वहाँ से। हाँ, पास में ही, थोड़ी सी दूर में ही है जी, वहाँ रहते थे जी। पहले से, कब से ये फैक्ट्री चल रही थी? बहुत दिन से, एक दो बार और ब्लास्ट हो गई थी जी, पहले भी हुआ? हाँ, पहले भी लोगों की जान गई? हाँ, पहले भी गई थी। तो पहले भी जान जा चुकी है, पहले भी हादसा हो चुका है, बता रहे हैं। अपने भाई को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, और प्रशासन की लापरवाही आप जरूर कह सकते हैं यहाँ पर सामने आई। फटाखा फैक्ट्री की आगजनी के बाद कई लोग प्रभावित हुए। फटाखा फैक्ट्री के आसपास जो लोग रहते थे, अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ये जो महिलाएं हैं, ये काफी इनमें प्रभावित हुए। इनके घरों की स्थिति आप देखिए, फटाखा फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। ये लोग काफी आक्रोशित हैं, इनका ये कहना है पूर्व में कई बार हमने जोड़ी कपड़े बचे हमारे पास और कुछ नहीं बचा यहाँ पे, और 50 हजार हमने तो लड़े, पर हमारी गरीब आदमी कोई नहीं सुनता है। दीदी आप बताएं क्या, किस तरीके से प्रभावित रहा आपका परिवार? अब मेरी सास और नन थी, और मेरे बच्चे थे दो, तो उनको स्कूल पहुंचाया, और फिर जब जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो वो भागे, तो भागने में है ना उनको पत्थर लगा, कुछ लगा, तो उनकी डेथ हो गई, और मकान भी पूरा टूट गया हमारा। और 50 बार हमने है ना प्रशासन से इस चीज़ की शिकायत करी, पर उसका कोई भी काम नहीं हुआ। आप कहाँ रहते थे यहाँ पर? ये है मेरा मकान। कहाँ रहते थे यहाँ? फैक्ट्री के पास नहीं, घर था ये है ना मेरा घर, फैक्ट्री के पास? हाँ, फैक्ट्री के पास। फैक्ट्री के, क्या नाम है आप? पिंकी चौहान। ये जो वो लोग हैं, मेरे पैसे रकम कुछ भी नहीं है। वो गोदरेज का ताला आप देख सकते हो, टूटा हुआ है, खुला हुआ नहीं है। ये वो जो लोग हैं जो इस हादसे में प्रभावित हुए, उनका ये कहना है कि इस मामले में उन्होंने प्रशासन को कई बार आगाह किया, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी, उसका ही नतीजा कि आज इतना भयानक हादसा हुआ। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज 18 हरदा।
फटाका फैक्ट्री की आगजनी के बाद कई लोग प्रभावित हुए। फटाका फैक्ट्री के आसपास जो लोग रहते थे अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये जो महिलाएं हैं ये काफ़ी इनमें प्रभावित हुए। इनके घरों की स्थिति आप देखिए, फटाका फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। ये लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, इनका ये कहना है पूर्व में कई बार हमने जोड़ी कपड़े बचे हमारे पास और कुछ नहीं बचा यहाँ पे, और 50,000 हमने तो लड़े पर हमारी गरीब आदमी कोई नहीं सुनता है। दीदी आप बताएं क्या किस तरीके से प्रभावित रहा आपका परिवार? अब मेरी सास और नन थी और मेरे बच्चे थे दो, तो उनको स्कूल पहुंचाया और फिर जब जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो वो भागे, तो भागने में ना उनको पत्थर लगा कुछ लगा तो उनकी डेथ हो गई और मकान भी पूरा टूट गया हमारा। और 50 बार हमने है ना प्रशासन से इस चीज़ की शिकायत करी पर उसका कोई भी काम नहीं हुआ। आप कहाँ रहते थे यहाँ पर? ये है मेरा मकान। कहाँ रहते थे यहाँ? फैक्ट्री के पास नहीं, घर था ये है ना मेरा घर। हाँ, फैक्ट्री के पास। हाँ, फैक्ट्री के पास। फैक्ट्री के, क्या नाम है आप? पिंकी चौहान। ये जो वो लोग हैं, मेरे पैसे रकम कुछ भी नहीं है। वो गोदरेज का ताला आप देख सकते हो, टूटा हुआ है, खुला हुआ नहीं है। ये वो जो लोग हैं जो इस हादसे में प्रभावित हुए, उनका ये कहना है कि इस मामले में उन्होंने प्रशासन को कई बार आगाह किया लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी, उसका ही नतीजा कि आज इतना भयानक हादसा हुआ। प्रवीण सिंह तंवर, News 18 हरदा। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में हुए भीषण फटाका फैक्ट्री हादसे का सूरत हाल हम आपको बता देते हैं। करीब 11:30 बजे ये पूरा हादसा हुआ था और तब से लेकर अब तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह से शाम हो गई है और आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पे जो धुआं है वो उठ रहा है। अभी भी चारों तरफ से फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो लगातार आग बुझाने की कोशिश में यहाँ पर जुटा हुआ है और जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो अब भी मलबे के बीच में से जिंदगियों को तलाशने का काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, नजर आ रही हैं। दीपक जरा ये बता दीजिए कि हादसा कितना खतरनाक था, ये आप यहाँ तस्वीर में देखेंगे। ये संभवतः एक बाइक या एक स्कूटी यहाँ पे हो सकती है जो पूरी तरह से जल कर खाक हो गई है। दूसरे तस्वीर में आपको नजर आएगी एक फोर व्हीलर गाड़ी जो यहाँ पे पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है और इसी तरह कई जिंदगियां भी अब इस पूरे मलबे के अंदर समा गई, जिनमें से कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन कई लोग अब भी, ये बताया जा रहा है, स्थानीय लोगों का दावा है कि इस मलबे में फंसे हुए हो सकते हैं और वहीं सैकड़ों लोग इस पूरे हादसे में घायल भी बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ पैसे भी यहाँ पर मिले हैं, पैसे भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं और संभवतः ये यहाँ पर जो ग्राहक आते थे ये उनसे संबंधित ये सारी चीजें जो है वो हो सकती हैं। और देखिए कुछ वोटर आईडी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें दीपक कुमार का नाम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और भी जो ये जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से सारे जो सबूत हैं उनको यहाँ पे जब्त किया जाए ताकि इस पूरी जांच में कामयाबी मिल सके। यहाँ पे जो हरे भरे पेड़ हुआ करते थे वो अब सूख चुके हैं, जल चुके हैं, जलकर राख हो चुके हैं। तो ये पूरा मैं आपको ये एक विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसा यहाँ पर सूरत हाल है। जो गाड़ी की हालत आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, मैं पहले भी आपको बता रहा था, दीपक दरवाजा अगर हो सके तो नजदीक आइए लेकिन संभल के आइएगा कहीं चोट ना लगे। और ये देख सकते हैं आप, जलकर गाड़ी पूरी तरह से खाक हो गई है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। और ऐसा ही ये पूरा हादसा भी है, इतनी भयावह ये तस्वीर भी है कि इसके बाद अब कुछ नहीं बचा है। अब भी थोड़े थोड़े जो ब्लास्ट हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि इस हादसे की भीषणता को थोड़ा सा कम किया जाए। तो ये जो पूरी साइट है जहाँ पर यह हादसा हुआ है हम वहाँ तक आपको ले जाने की कोशिश यहाँ से कर रहे हैं और दिखाने की तस्वीरों के जरिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये मुझे लग रहा है कि कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, अगर ये काम करते भी होंगे या नहीं करते होंगे ये बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। और इस तरीके की बड़े जो हादसे हैं और ये जो बड़ा हादसा हुआ है इसके बाद बार बार यही मांग उठती है कि जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं वो तमाम प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें और सुरक्षा के तमाम जो उपाय हैं वो ज़रूर करें ताकि किसी भी तरीके की कोई हादसे ना आने वाले समय में इस तरीके से निकल कर सामने आए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए हरदा से वासु चौरे। आज मध्य प्रदेश में हरदा के अंदर एक दुखद घटना हुई है।
फटाका फैक्ट्री में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और कुछ भाई और बहनों की मृत्यु भी इस घटना में हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सब लोग उनके साथ में इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सक्रियता के साथ और संवेदनशीलता के साथ एनडीआरएफ की टीम से लेकर के वर्न यूनिट, एम्स, बाकी सारे हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्थाएं तत्काल प्रभावी की जा सकती हैं, सरकार ने उन सारी व्यवस्थाओं को किया है। आपात बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। एसीएस होम हमारे मंत्री और कई प्रमुख लोगों को टीम वहाँ तत्काल पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से भी हमारे संभाग के प्रभारी और पदाधिकारियों को भी तत्काल उस काम में वहाँ लगाया है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में लगा है कि हर प्रकार से कैसे ही उस घटना को जो हुई है उस पर जो आगजनी जिस प्रकार से वहाँ पर बड़े पैमाने पर आग फैली उसको रोकने का प्रयास प्रशासन ने गंभीरता से किया है। डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, एम्बुलेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ यहाँ से भी गई हैं और नर्मदापुर, बैतूल, इंदौर, इधर से भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की हैं। चीफ सेक्रेटरी से लेकर के बाकी सारे लोग उस घटना को लेकर के मुस्तैदी के साथ तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है कि जिसके कारण से अभी मैंने कलेक्टर से भी बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, तो मुख्यमंत्री जी तो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो अभी जो जानकारी में कि 6 लोग की दुखद मृत्यु हुई है और 50 के करीब लोग जो घायल हुए हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, 59 के लगभग जो लोग हैं, तो सभी परिवारों के प्रति संवेदना के साथ पूरा प्रशासन और शासन बचाव कार्य में गंभीरता के साथ जुटा है। हाँ, घायल वगैरह सारे घायलों के बारे में भी पूरा तैयारी भी हो रही है, उनको जो सुविधाएं मिल सकती हैं। प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, लेकिन घटना दुर्भाग्यजनक है क्योंकि अचानक इस प्रकार से आग लगी और उसके कारण से वहाँ फैक्ट्री में जो लोग थे और आसपास भी जो फैक्ट्री के मजदूर भाई बहन जो कुछ रहने लगे तो वो भी इसके कारण से प्रभावित हुए हैं।